आज दीपा श्रीवास्तव बच्चों को बर्थडे पार्टी सिखा रही है। ठीक है, सबसे पहले आपको बच्चों को एक टेबल बनवाना है, या सबसे पहले केक बनवाइए, ओवल शेप बनवाना है, स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, फिर इसको पैक करना है, वापस ओवल शेप लेना है, वापस ओवल शेप लेना है और फिर से स्टैंडिंग लाइन लेनी है, इसको पैक करना है। ये केक बन गया। अगर बड़ा केक चाहिए तो बड़ा आप बना दीजिए। इसकी वेव्स लाइन में ये क्रीम क्रीम गिरा हुआ है, ऐसे वेव्स बनाइए। यहाँ पे स्टैंडिंग में कलर डलवाना है, ब्राउन कलर, या वापस से वेव्स। अगर कार्टून है तो कार्टून की ड्राइंग भी कर सकते हैं आप, इसी में दो ऐसे सर्कल लगा सकते हैं इसी ओवल शेप में। यहाँ पे नोज लगा दीजिए, यहाँ पे आँखें बना दीजिए और यह स्माइली फेस, तो केक बन जाएगा। और यहाँ पे कैंडल, जितने साल का बच्चा उतने साल का कैंडल लगा दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से लाइन खींच दीजिए, टेबल बन जाएगा। यहाँ पे अगर बच्चे छोटे बच्चे तो उनको केवल केक सिखाना है, और थोड़े बड़े हैं तो उनको ये दिखाना है। ठीक है, तो इसमें एक ये अंदर पैर छुप जाएगा टेबल के पीछे। ठीक है, यहाँ से आपको ऐसे दिखाना है, आप जो कि ऐसे थोड़ा यहाँ से टिक करके इसको थोड़ा सा शेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैप भी लगा दीजिए, कैप आप अलग अलग टाइप का जैसा भी चाहिए उसे लगा दीजिए कैप। बच्चे को यहाँ पे ऐसा कर दीजिए, आंखें बना दीजिए, ठीक। और बच्चे तो और बच्चे बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको रिबन दिखाना है, तो सबसे पहले यू बनवाइए, ऐसा यू बनाते जाइए, इस टाइप से यू कराते जाइए। छोटे बच्चों को किसी की डबल लाइन करवानी है आपको, ठीक है। यहाँ पे बलून लगा दीजिए ऐसा करके, ऐसा पूरा बलून से आप भर दीजिएगा। बर्थडे का मतलब बलून रहता है ड्राइंग पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको गिफ्ट रखने हैं, गिफ्ट इस टेबल के ऊपर आप गिफ्ट दिखा दीजिए। यहाँ पे बलून रखा हुआ है ऐसा दिखाइए, यहाँ पे टॉफीज दिखाइए, प्लेट के अंदर रखी है, जो भी आपको कर दिखाना है आप टेबल पे, जो भी आप ऐसे। फिर ओवल शेप बनवा दीजिए, बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ऐसे ढेर सारी इस पर टॉफी बनवा दीजिए। तो ये सब बर्थडे केक आपका बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कर सकते करके ओवल कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों को एकदम सिखा रहे हैं। यहाँ पे कई बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे फिगर बनाते हैं, ऐसे लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें पैर निकाल देते हैं। इस टाइप का टीचरों को स्कूल में सिखाती हैं, ठीक है। तो आप ऐसा ही बता सकते हैं, बट ये अगर ऐसा सिखाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। अभी एक हम और ड्राइंग बना रहे हैं, ये देखिए, इसमें केक इस टाइप का ओवल शेप का है। यहाँ जो हम कलर करेंगे वो स्टैंडिंग लाइन में करेंगे, यहाँ जो कलर करेंगे वो स्टैंडिंग लाइन में करेंगे, ठीक है। ये स्टैंडिंग लाइन में रहेगा और ये इस शेप में रहेगा, ये वाला कलर इस शेप में रहेगा, और ये क्रीम गिरा तो इस शेप का रहेगा, ठीक है। बलून में भी आप पहले डार्क से आउटलाइन करा करके हल्के हाथ से ऐसा शेडिंग करवाइए, ठीक। यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिख दीजिए, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में कलर करवाइए बच्चों को। मैचिंग ड्रेस का आजकल बच्चे क्या, तो केक से मैचिंग ड्रेस कपड़े पहनते हैं, तो आप ऐसा करा दीजिए उनको, ठीक है। ये टेबल है, टेबल को अगर बॉय गर्ल है तो पिंक रंग का हम डाल लेंगे टेबल के ऊपर। ये टेबल का ये इस टाइप का इसका जो कपड़े डालते हैं वो चीज़ है, ठीक है। तो इसको आप इससे और लाइट रेड स्लीपिंग लाइन में लाइट रेड कलर करवाना है इसको पूरा इस टाइप से। नर्स जो सीनियर के जूनियर के जी बच्चों ने ये डिमांड किया है कि मैम मुझे बर्थडे पार्टी पे ड्राइंग सिखा दीजिए, तो इसलिए उनके लेवल का ही सिखा रहे हैं, ज़्यादा बड़े बच्चों का नहीं बता रहे हैं। इस टाइप से आपको लेना है, इसको पिंक रंग का ड्रेस बना दीजिए। तो ऐसे ये ड्राइंग ये भी है, और एक ड्राइंग हमने इसके पीछे जस्ट एक और बना दिया आइडिया देने के लिए इस टाइप का। इसमें एक बॉय बैठा हुआ है, इसको अभी करना है तो आपको इस टाइप से कर दिया। यहाँ पे दो तीन ऐसे, ये जो भी इनको फ्लेवर पसंद है चॉकलेट का उस कलर का करा सकते हैं आप। यहाँ पे आप वाइट डलवा दीजिए यहाँ पे, और ये जो टेबल रहेगा वो
आप लाइट पर्पल का इस टेबल को आप लाइट पर्पल में करवाइए, यहाँ पे डार्क कर दीजिए और इस ये लाइट पर्पल ये पूरा, और जो भी आपको टेबल पर रखना है गिफ्ट जो भी रखने हैं आप इस टेबल पर रख सकते हैं। और ये वॉल को आप स्किन कलर डाल सकते हैं, लाइट कलर वो स्टैंडिंग लाइन में कलर, ये पूरा ड्राइंग आपको स्टैंडिंग में कलर करना है। ये वॉल है, पीछे के वॉल के पास बच्चा खड़ा होके केक काट रहा है, ठीक है। ब्लू रंग का बलून बना दीजिए, इसमें छोटे छोटे सर्कल बना दीजिए, इसमें इस टाइप का डायरेक्शन कर दीजिए, बलून में भी अलग अलग टाइप का डिज़ाइन कर दीजिए, फिर इसमें वाइट कलर मिक्स कर दीजिए तो लाइट कलर का शेड इसमें आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। और रिबन जो दिख रहा है उसमें आप पाइनएप्पल, ये जो रिबन है आपको बच्चों को एक यू फिर दूसरा यू ऐसे बताते रहना है। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। ऐसे हैप्पी बर्थडे को अलग अलग कलर से डाल सकते हैं, यहाँ पे रिबन में अलग कलर डालिए, इसमें भी अलग डालिए, इसमें इधर भी अलग, सब मल्टी कलर का डाल सकते हैं, बलून में भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसमें भी अलग अलग कलर डालिए, ऐसा कर अलग अलग कलर का बना दीजिए। फिर ये जो ऐसे कर रहे हैं उसमें बच्चों को लाइटिंग बता दीजिए, लाइटिंग निकालें, ठीक है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू आज के वीडियो के लिए।